हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, ओ मेरा भाई, देखिए ये है एक मैगी पॉइंट हमें लाया, क्या है नैनीताल लेक व्यू मैगी पॉइंट, हम यहाँ पे ना मैगी बनवा रहे हैं। ये देखिए मेरा भाई ये मैगी बना रहा है हमारे लिए, बहुत ही प्यारी सी मैगी। ये मेरा भाई है, ये जो बना रहा है क्या यहाँ से हम लोग। ये देखिए ये मेरे मामू, बहुत तेजी से मुझे भूख लगी है। अभी हम नैनीताल के मैंगो पॉइंट पे हैं और मैंगो पॉइंट का तो पता नहीं लेकिन पेट में बहुत ज्यादा मैंगो हो रहा है। हम नीचे जाएंगे, कूद रहे हैं मामा, हम लोग अब नीचे जाएंगे। आप प्लीज ज्यादा नीचे अगर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे। देखिए नहीं, ये देखिए भाई ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आप थोड़ा सा चलिए नीचे चलेंगे हम लोग। क्या अभी शॉर्ट ही बनेगा? नहीं चलो पोर्ट्रेट में रखो, शॉर्ट हम लोग चलेंगे। देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ हम लोग मैगी खाएंगे। ये देखिए भाई बना रहा है, ये भाई, ओ माय गॉड, एक पक्षी आया वो उड़ गया। ये देखिए ये मामा बैठ गए यहाँ से, अच्छा और नीचे है। ये भाई ने तो अपना कर रखा है, यहाँ बैठ के आप खा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए और अच्छा व्यू आएगा आपको, व्यू देखिए अच्छा। आप व्यू, मैं एक सेकंड मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आप व्यू देखिए यहाँ बैठ के, वाह आप भी बोलेंगे वाह, ओ माय गॉड, ये देखा आपने, ओ माय गॉड, ये पंछी, ये कौन सा पंछी है? ये शायद कोयल की कोई प्रजाति है और पानी पी रही है। व्हाट अ, इसे हमारे कैमरे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा वीडियो। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पास, ओ माय गॉड, इट्स अ नाइस, शायद उसे हमारे कैमरे से डर लग गया और ज़्यादा दूरी तक हम उसे नहीं दिखा पाए। खैर ये प्राकृतिक सुंदरता है उससे हम वहाँ की नैनीताल की रीजन में हैं भाई, और सुंदरता यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेशुमार ट्रीज हैं। हालांकि यहाँ पर फ्रूट्स नहीं दिख रहे हैं लेकिन प्राकृतिक सुंदरता बेशुमार है, यहाँ पर बेशुमार है, देखने लायक है, आपकी नजरें नहीं हटेंगी, बेशुमार है। यहाँ पर जंगली जानवर भी काफी रहते हैं, दिन के वक्त में तो शायद दिखाई नहीं देते हैं, अगर आप शाम के 7 बजे के बाद अगर यहाँ पर विचरण करेंगे तो शायद आपको भालू या तेंदुए जैसे जीव दिख सकते हैं। या लेकिन अगर आप रोड को फॉलो करेंगे तो रोड पर अक्सर वो नहीं दिखते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप जंगल में ना जाइए, ये बेहतर है। अगर जंगल में जाएंगे तो हो सकता है जंगली जानवर आपको कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। हवाएं बहुत ठंडी हैं यहाँ पर, हवाएं इतनी ठंडी हैं, सर्द जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैंने अपने फोन में टेम्परेचर देखा तो अभी 14 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर है और आज 25 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर को यहाँ पर 14 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर है। हालांकि मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में ही हूँ और सर्दी मुझे लग रही है, मेरे हाथ कपड़े हैं, आपने देखा कैमरा हिला है, हमारे कैमरा पर्सन के भी हाथ कपड़े होंगे, शायद वीडियो में ये विजिबल हो या ना हो जाएगा, सर्दी लग रही है, सॉरी फॉर। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा सा व्यू दिखाएं यहाँ का और कोशिश करते हैं, हमारे एक मित्र भी आ गए हैं, आइए आइए इधर, हम नहीं आएंगे, प्लीज से हम फिर जाएंगे, हम खाएंगे उनसे, थोड़ा सा भय प्रतीत कर रहे हैं। और हमारे दूसरे मित्र आ गए हैं, दूसरे मित्र थोड़ा सा उन्हें भी भय लग रहा है नीचे उतरने में, आइए इधर आइए, बस यहाँ पे बैठिए। आइए दोस्तों देखते हैं नीचे रास्ते में क्या है, और नीचे बड़े बड़े पहाड़ हैं, नीचे नीचे बड़े बड़े पेड़ हैं, सर मैगी खा रहे हैं, हम मर भी सकते हैं, खाने भी निकाल लेते हैं उनके वजह से, पर आ गए, चलो बहुत सुंदर दृश्य हमारे कैमरे में, थोड़ा सा वो कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, आप सीधे तस्वीरों में और वीडियो में देख सकते हैं खूबसूरती, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
बस यही कह सकते हैं। संस्कृति हमें अपनी किस प्रकार से सुंदरता के रूप में हमें एक शिक्षक प्रदान करती है, वो काम हर कोई महसूस नहीं करता है। वाव है बस वो बस कितना वाव 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 बहुत ज़्यादा पानी ठंडा है इस वक्त 14 डिग्री तापमान के अंदर। मेरा दोस्त यहाँ पर पानी में उतर चुका है। ये कैंपी वाटरफॉल है नैनीताल का, आप देख सकते हैं कि प्रकृति की कितनी सुंदरता है। बहुत ही किसी भी इससे कोई तुलना नहीं। यहाँ जो गंडक के पहाड़ है ना, गंडक के पहाड़, तो गंडक हमेशा पानी को शुद्ध करता है। उस गंडक से होकर जब पानी आता है, यही गंगा जल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की शुद्धता कितनी है। इवन यहाँ पर एक 10 का सिक्का कहीं पड़ा था, कोई बात नहीं, को मेरे मित्र ने उसे उठा लिया। लेकिन आप पानी की शुद्धता देख सकते हैं, पवित्रता देख सकते हैं, कितना साफ है। आर पार आप देख सकते हैं कि पत्थर के कंकड़ साफ तौर पर दिखाई दिख रहे हैं आपको। वाव। और हमारे मित्र यहाँ पर अपने मित्र का फोटो लेते हुए और प्रकृति की सुंदरता का भरपूर आनंद ले रहे हैं। शायद ऐसा वक्त हर किसी के जीवन में हर बार तो नहीं आता है, क्योंकि प्रकृति की असली सुंदरता का अनुभव करना ये भी मनुष्य के लिए दुर्लभ होता है। ऐसा लग रहा है जैसे दक्षिण के पठार में है, लेकिन दक्षिण का पठार नहीं है, ये नैनीताल है। बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और मेरे पीछे में हमारे मित्र हैं, वो अपने फोटोज वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य। कहाँ है हम लोग मामा? नैनीताल, तालों के ताल, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। We are on Mall Road. Please see guys. हम जा रहे हैं on Mall Road. पीछे देखिए आप, ये भाई सर में दर्द मार रहा है, वो उल्टा आ रहा है, देख लिया, सीधा कर रहा है। एक सेकंड दे रहा है दीवारी को, एक सेकंड। तालों में नैनीताल, ये है यहाँ पे हमारे पास गुरुकुल, बाकी सब तलैया। दिखा 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 दिखा, यहाँ से जाके गर्मी में चले जाएंगे। मगरमच्छ हुए हैं? या बिल्कुल हैं, आप बोलिए। इसमें कछुआ भी है, मगरमच्छ भी है। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग मॉल रोड पे नैनीताल में वॉक कर रहे हैं। नाइट का समय है, आप देख सकते हैं क्या नजारा है, आप देख सकते हैं। मामा हेलो, ये देखिए आगे मेरे मामा जा रहे हैं। हेलो मामा, मामा मामा को ठंड लग गई है, मामा ठंड लग रही है, ऐसा कर मामा को सर्दी लग गई है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, तो बाकी सब जैकेट पहन रखी है, टोपी लगा रखे हैं।
इतना टोपा कोई नहीं है, जिसने टोपा नहीं लगा रखा हम ही है टोपे टोपा टोपा देख रहे हैं आप माल रोड पे हम लोग टहलने में लगे हुए, नाइट का समय है, बड़ा अच्छा व्यू है, देख रहे हैं आप लोग, बड़ा अच्छा से यहाँ पे दृश्य है, ये रात के समय में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे माल रोड में घूमने, एक अच्छा दिल्ली जैसा माहौल बनता है यहाँ पे अभी।